सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है गोकू और तामागामी के फाइट के साथ। इस एपिसोड में तामागामी गोकू से पूछता है, क्या तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए? और गोकू जवाब में कहता है हाँ, और यहाँ से फाइट स्टार्ट होती है। तो गाइस, ये फाइट काफ़ी इंटेंस होती है। फाइट के स्टार्टिंग में गोकू अपने पावर पोल के साथ लड़ता है और अपने पावर पोल से तामागामी को हिट करने की कोशिश करता है, जिसे वो आसानी से डॉच कर लेता है। और तामागामी के पास हैमर, जिसे वो गोकू की तरफ फेंकता है और गोकू आसानी से उसके हैमर को डॉच कर देता है। फाइट में आगे गोकू अपने पावर पोल से तामागामी के पैर पे हिट करता है। तामागामी थोड़ा सा लड़खड़ाता है और गोकू को हिट करने का चांस मिलता है और गोकू उसे हिट करता है और तामागामी उसे अपने हैमर से रोक लेता है और गोकू को दूर झटक देता है। और फिर से गोकू और तामागामी अपना अपना वेपन लेके दोबारा से लड़ते हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफ़ी इंटेंस हो जाती है और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ग्लोरियो, पेंजी और सुप्रीम काय भी इस फाइट को एंजॉय करने लगते हैं। और गोकू तामागामी से फाइट के दौरान अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि काफ़ी एपिक सीन होता है। गोकू के सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये फाइट और भी इंटरेस्टेड हो जाती है। गोकू और तामागामी अपने फुल पावर के साथ लड़ने लगते हैं। तामागामी गोकू की ओर एक पावरफुल ब्लास्ट फेंकता है और गोकू भी उसकी तरफ गामेहामेहा से हमला करता है। दोनों के अटैक्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि गोकू का गामेहामेहा तामागामी के ब्लास्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से तामागामी इस फाइट को हार जाता है और गोकू इस फाइट को जीत जाता है। और वहाँ सुप्रीम काई, पेंजी और ग्लोरियो काफ़ी खुश होते हैं। फिर गोकू तामागामी से कहता है कि अब मैं ये ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ, है ना? फिर तामागामी जवाब में कहता है कि उससे पहले हमारी आखिरी लड़ाई होगी। गोकू सोच में पड़ जाता है कि अभी तो मैंने इसे एक फाइट में हराया है। और हम आगे देखते हैं कि तामागामी गोकू के साथ गेम खेलना चाहता था। तामागामी गेम को स्टार्ट करता है, गोकू को इंस्ट्रक्शन समझाता है। गेम ये रहता है कि उसे छुपे हुए कप्स में से ड्रैगन बॉल खोजना था। तामागामी कहता है कि अब मैं इन कप्स को मिक्स करने वाला हूँ, अगर तुमने इसमें से ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया तो ड्रैगन बॉल तुम्हारा हो जाएगा। गोकू कहता है ठीक है। उसके बाद तामागामी उन कप्स को मिक्स करता है और पूछता है कि बताओ ड्रैगन बॉल किस में है। गोकू काफ़ी देर तक सीरियस खड़ा रहता है, जिससे तामागामी उसे बार बार पूछता है कि बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ है। ड्रैगन बॉल उस कप में नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास खड़े एक कैरेक्टर के सर पे होता है, जिसे गोकू दिखाता है कि ये वहाँ पे है, जिसको देख के सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तामागामी ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से करता है, जिसे गोकू पकड़ लेता है। गोकू की सराहना करते हुए तामागामी उसे ड्रैगन बॉल दे देता है। और ड्रैगन बॉल देने के बाद तामागामी कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, तुम एक ईमानदार योद्धा हो। वहाँ पर आए हुए लोग जो इस फाइट को देख रहे थे, वो गोकू की सराहना करने लगते हैं और गोकू वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए पांजी उससे कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने तामागामी को हरा दिया। वहीं आगे बढ़ते हुए ग्लोरियो किसी से बात करता है और कहता है हाँ, हमने तीसरी डीमन दुनिया की ड्रैगन बॉल हासिल कर ली है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी। ग्लोरियो उस टाइम पे अरिंसु से बात कर रहा होता है। उसके बाद अरिंसु ग्लोरियो से कहती है बच्चा होकर भी वो इतना ताकतवर है, ऐसे ही बढ़िया काम करते रहो ग्लोरियो। उसके बाद ग्लोरियो कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए अरिंसु सामा। ग्लोरियो से बात करने के बाद अरिंसु कहती है वे लगता है मुझे अपने प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि गोकू तामागामी को हराने के बाद वहाँ के लोगों से मिलता है और उन्हें बाय बाय करता है और आगे बढ़ जाता है। प्लेन में बैठी पांजी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है। वो गोकू से कहती है कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो, तुम जादू तक यूज कर सकते हो, तुमने रूप बदला और अपने हाथों से वो अजीब रोशनी फेंकी। यहाँ पे पांजी गामेहामेहा की बात करती है और गोकू कहता है कि हाँ, वो एक तरह से जादू ही है। उसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं। ग्लोरियो जवाब देता है दूसरे डीमन दुनिया, हम वाप सामा की ओर जा रहे हैं, हम जमीन और समुंदर के बीच से उड़ेंगे, पकड़े गए तो मुसीबत होगी। वहीं पांजो कहती है कोई बात नहीं, जेंडर मेरिन कुछ वक्त तक अपने रेडियस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी ग्लोरियो कहता है नहीं, किसी ने तामागामी को हराकर ड्रैगन बॉल ले ली है। एक लाल स्टिक वाला स्पाइकी बालों के बच्चे की अफवाह बहुत तेजी से फैलेगी। तभी पांजो ग्लोरियो से कहती है ठीक कहा तुमने। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि माकायशिन और किंगोमा माजिन बू की फाइट को देख रहे होते हैं। तभी उनको फाइट के दौरान अरिंसु दिखाई देती है। किंगोमा अरिंसु को उस फाइट में देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये वहाँ पे क्या कर रही है। वहीं पे माकायशिन जवाब में कहता है मुझे नहीं पता, लगता है यह माजिन बू के बारे में पहले से ही जानती थी। किंगोमा कहता है पिछले सुप्रीम डीमन किंग डबोरा ने शायद इसे इसके बारे में बताया होगा। लेकिन रुको, ये वहाँ पे कौन सी चाल चल रही है?
तभी हम आगे देखते हैं कि अरिंजू अपने जादुई शीशी में माजिन बू के एक टुकड़े को रखकर अपने प्रयोगशाला की तरफ निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि अरिंजू अपने प्रयोगशाला की ओर पहुंचकर बोलती है वक्त आने ही वाला है। अरिंजू उस समय कुछ प्लान कर रही होती है, तभी वो प्रयोगशाला में अंदर जाती है और वहाँ खड़ी हुई मारवा से पूछती है कुछ हुआ। जवाब में मारवा कहती है देखते हैं। तभी मारवा आगे कहती है तुम जो माजिन बू का टुकड़ा लाई थी उसने सच में फ्लेवर ला दिए हैं। तभी अरिंजू कहती है मैंने इसको पाने के लिए बहुत ही जोखिम उठाया है। तभी मारवा कहती है वे लगता है यह तैयार हो गया है। तभी अरिंजू और मारवा उस जादुई वाटर को बाहर टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। तभी अरिंजू कहती है बेहतर होगा कि यह इस बार काम कर जाए, पिछला वाला माजिन तो मुझे ही नहीं हरा पाया था। तभी मारवा कहती है इसको पूरा होने तक कुछ नहीं कह सकते, हमने माजिन बू का अंश मिलाया है, इस बार सब ठीक होना चाहिए। अरिंजू क्वेश्चन मार्क पूछते हुए कहती है चाहिए, मुझे तो लगा तुम ही वो चुड़ैल हो जिसने माजिन बू को बनाया। तभी मारवा कहती है क्या कह रही हो, बू को बनाने वाला जादूगर बाबिडी था। तभी अरिंजू कहती है मैं सच जानती हूँ और आगे कहती है कि बाबिडी ने आके तुमसे कहा था बू को बनाने के लिए, बाबिडी के पास कभी ऐसी काबिलियत नहीं थी, वो माजिन बू ही था जिसने डीमन रिलान में तबाही मचा दी थी, मेरे रेस के बाकी लोग बाहरी दुनिया में भाग गए और कुछ तो मारे भी गए। तभी अरिंजू मारवा से कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने माजिन बू को बनाया है। तभी मारवा रिप्लाई में कहती है वो तो बस एक तुक्का था, उसे तो कामयाबी कह भी नहीं सकते, वो बहुत ही ताकतवर था और उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे और उसने तबाही मचा दी। और अरिंजू कहती है मुझे तुम पर भरोसा है, मैं भले ही एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ लेकिन मैं तक माजिन बू को नहीं बना सकती। तभी मारवा कहती है मैंने इस इसके कंट्रोल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और अब तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में अपना थोड़ा सा सलाइवा डालना होगा। अरिंजू कहती है ठीक है। तभी मारवा कहती है अपना अंश मिलाने से तुम बिना बात किए जानकारी बांट सकते हो और इसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तभी अरिंजू उस मैजिक वाले पानी में अपना सलाइवा मिलाती है जिससे एक मैजिकल ब्लास्ट होता है और मारवा कहती है अगर ये कामयाब होता है तो मैं एक बड़े इनाम की आशा करती हूँ। तभी अरिंजू कहती है गोमा भले ही लगे ना लेकिन वो बहुत ताकतवर है, चिंता मत करो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करूँगा। तभी मारवा ड्रैगन बॉल्स का नाम सुनते ही चौंक जाती है और कहती है क्या तुम ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने के लिए सोच रही हो, तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है। फिर अरिंजू मारवा से कहती है इतना यकीन से मत कहो, मेरे और भी प्यादे हैं और उन्होंने एक ड्रैगन बॉल पहले से ही हासिल कर ली है। यहाँ पे अरिंजू ग्लोरियो की बात कर रही होती है। तभी एक दूसरा प्लेन जिसमें वेजिटा, पिकलो और बुलमा दिखाई देते हैं, उसी प्लेन में किंग कादान का कॉल आता है जो हाइबिस से बात कर रहा होता है, कहता है हमने सुना है कि गोकू ने तामागामी को हराकर ड्रैगन बॉल ले लिया है, हमें अभी खबर मिली है, अब सब जश्न मना रहे हैं। अच्छा तो सुनो, किंग कादान कहता है हमें अब उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो अब वैप सामा की ओर जा रहे हैं तो उनसे वहीं मिलो। हाइबिस पूछता है कि वह वहाँ कब तक पहुँचेंगे, तब किंग कादान कहते हैं कि उन्होंने जेंडर मेरिन की प्लेन चुराई है, वो कुछ ही दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम होटल में रात बिता सकते हो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। हाइबिस पूछता है क्या मैं वहाँ पे वाइन पी सकता हूँ, कीचड़ कलर वाली वाइन, तब किंग कादान कहता है ज़रूर तुम सबको दावत खिलाना। तब हाइबिस पूछता है कि पैसे तो आप भरोगे ना, तब किंग कादान कहता है मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उसे यूज कर ले। ये सुनकर बुलमा बहुत खुश होती है और कहती है हुर्रे हमें होटल में रुकने का मौका मिलेगा, कैसी जगह पर, क्या वो 5-स्टार होटल, क्या हमें हर तरह का अच्छा खाना मिलेगा। हाइबिस कहता है हाँ कीचड़ कलर की वाइन बहुत स्वादिष्ट। तभी हम आगे देखते हैं कि वेजिटा हाइबिस से पूछता है क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स हैं, तब हाइबिस का रिएक्शन आता है क्या पृथ्वी पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं। तभी वेजिटा हाइबिस से कहता है मुझे इसके बारे में और बता, हाइबिस चुप हो जाता है और मुड़ जाता है और वेजिटा उससे कहता है क्या हुआ। तभी हाइबिस कहता है तुम कोई डीमन किंग भी नहीं हो फिर भी इतना गमन दिखाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। वेजिटा उस समय गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है और वहाँ पे फनी सीन क्रिएट होता है और सभी हंसने लगते हैं। इस तरह एपिसोड 8 का एंड होता है। सो गाइस ये रहा एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।